हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे हो गए फ्रेंड्स। मैं अभी हूँ दाणेटी के पास में और अभी अपना माल बहुत भर चुका है और आज डेट हो चुका है 9 जून 2024 और अभी टाइम हो रहा है 12 और अभी मैं दाणेटी के पास में से गाड़ी लोड किया है और 2 गाड़ी साथ में है, देख सकते हो आगे एक ये गाड़ी है और अपना भी ये माल देख सकते हो। वजन तो ज़्यादा नहीं है और फ्रेंड्स अपना माल है भरूच के पास में अंकलेश्वर का। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ एंड पूरा एंड तक बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं कहाँ पे खाली होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना। और हमारे बाप साथ में है लालू भाई और दोनों गाड़ी साथ में ही खाली होगा। और ये सामने ठाकर होटल जो आप देख सकते हो, ये ठाकर होटल है और मैं अभी डीजल भरवाने के लिए खड़ा हूँ और अपने साथ में कोई नहीं है। तो चलो यहाँ से डीजल भरवा कर निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम का 6:30 हो रहा है और हमें अभी मारिया और मारिया पर सभी चाय पिया और ये सामने होटल है और यहाँ पे अभी मारेंगे सेल और निकलते अपनी जर्नी के लिए। चाय पी लिया है और ये गाड़ी अपना साथ नहीं है तो चलो निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात का 10 बज रहा है। मैं अभी हूँ चोटीला और चोटीला पार करके अभी कृष्णा होटल है काठियाड़ी, वहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ और अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। तो एक भाई सामने खड़ा हुआ है और उसका गाड़ी ये रहा, तो चलो पहले चेक कर लेते हैं सब। तो फ्रेंड्स अपना ऐसा कुछ माल है और ये कृष्णा होटल है सामने और
ये अपना गाड़ी है और सामने देख सकते हो होटल है, और ये भाई का सेम, दोनों का सेम माल है, सेम माल है दोनों का। ये लाइट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। सब चेक करना पड़ता है फ्रेंड्स लोगों। और ये बेल्ट का हालत है, ये देखो, ये इसकी वजह से ये माल यहाँ पे बेल्ट रहता है ना तो ये काट देता है, ये इसलिए ऊपर देखो रबर लगाया हुआ है, नए नए बेल्ट कट जाते हैं। ये देखो इसके नीचे भी लगाया है, तो ऐसा ऐसा दिक्कत है सब। ये फ्रेंड्स रेती वो बनाने का है, और रेती सब जो रेती निकलता है नदी में से उसको साफ करते हैं, तो इसके लिए ये माल है। ऐसा कुछ सुना जा रहा है, सामने होटल है। चलो खाना खाते हैं, चलेंगे खाना खाने, गाड़ी बंद करके आता हूँ। गाड़ी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह का 6 बज रहा है और हमें अभी बगोदरा, और रात को सो गए थे, 12 बजे सो गए थे चोटीला वाले रोड पे, और अभी 4 बजे निकले थे, अभी बगोदरा पहुँचे हैं। ये कुछ इधर का व्यू है, अभी चाय पीने के लिए रुके हैं, बारिश जैसा मौसम है। और ये कुछ अपना माल है, तो चलो फ्रेंड्स चाय पी के निकलते हैं, अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट।
हेलो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का 11:30 हो रहा है और मैं अभी पहुंच चुका हूं भरूच। अभी हूं ब्रिज के ऊपर और अभी लग चुका है जाम और देख सकते हो आगे छकड़ी है और पीछे मैं हूं। अच्छा, और आराम आराम से जा रहा है और ये सामने पुल है, तार से लटकता हुआ पुल है और इधर कच्चा वाला पुल है और सामने रेंज रोवर जा रही है। अभी सामने नदी के ऊपर ही है और ब्रिज एकदम झूला झूल रहा है, हिल रहा है, मतलब डगमग डगमग हो रहा है, डगमग डगमग। ऐसे हो रहा है डगमग 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 और थोड़ा डर भी लग रहा है गिरने का, गिर जाए और हम पानी में गिर जाए। आए आए तो ऐसा ऐसा थोड़ा दिक्कत रहता है, डर भी लगता है, बाकी मजा भी आता है। ऐसे होता है भाई, मजा आया तो थोड़ा मजा आता है, थोड़ा डर लगता है और ऐसे घेर मार के ऐसे जाने देते हैं। आज वजन कम है तो थोड़ा मजा आ रहा है और मौज हो गई समझो ना। वजन कम रहता है ना तो गाड़ी थोड़ा चलाने में मजा आता है। बाकी ऐसा काम है और मेरे साथ एक नहीं दो नहीं तीन तीन खलासी है और वो आपको दिखाता हूँ। वो रहे देखो, तीनों साथ में बैठे, उसको बोलना नहीं पड़ता फ्रेंड्स, उसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई देखो साइड में क्या है क्या नहीं है। उसको एक बार बता दो भाई ऐसे ही रहना है तुम्हारे को, ऐसे ही खड़ा एक ही जगह पे रहना है, तो अपने हिसाब से एक ही जगह पे रहते हैं, वो हिलते जुलते नहीं है और वो काम आते इतना कोई काम नहीं आता है। और ऐसा काम है तो शीशा ही काम आता है, बाकी कोई काम नहीं आता है, तो उसके ऊपर ही भरोसा रखो। इधर तो दो दो लगाया हुआ है, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना। और अभी ये जाम कब पता नहीं कब खुलेगा, पूरा टोल तक जाम ही होगा, तो आप एंड तक पूरा वीडियो देखना। और अभी बस ये यहाँ से आगे जाएंगे 1-2 किलोमीटर तो सामने टोल है, टोल पार करके ही अपने को लेफ्ट साइड में मोड़ने का है। और ये देखो फोन भी आ गया, तो चलो फोन करते हैं रिसीव। Thank you.
ये दोस्तों भरूच टोल पार करके झगड़िया राजपाड़ी वाले रोड की हालत है, देख सकते हो पूरा खड्डा खड्डा। और एक तो साइड में नया रोड। हेलो फ्रेंड्स, अभी एक बजने वाला है और हम पहुंच चुके हैं फाइनली पॉइंट पे और हम खड़े हैं अभी करम सिंह भाई की गाड़ी में, मतलब बैठे हुए हैं। और ये कुछ इधर का नज़ारा है, शेरड़ी का खेत है और अपना गाड़ी आगे खड़ा हुआ है और अपना गाड़ी इधर खाली होता है या देखते हैं अभी। दोस्तों एकदम छोटा वाला रास्ता है, ये रेती के लिए सामान आया हुआ है और भुज गांधीधाम से आया है और ऐसा कुछ नज़ारा है। और अभी देखते हैं कब तक खाली होता है। दोस्तों भरूच टोल नाका से टर्न लेने के बाद तो रास्ता की हालत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन आराम आराम से पहुंच चुके हैं और अभी एक बजने वाला है। सुबह में नाश्ता तो कर लिया था, तो अभी खाने का तो कोई वो है नहीं टेंशन। अभी देखते हैं कब तक खाली होता है, तो आप हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना साथ ऐसे ही भाई को बनाए रखना। तो मिलते हैं कब खाली होता है, देखते हैं। चलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी अपना गाड़ी खाली हो चुका है और यहाँ से पॉइंट से गाड़ी निकल रहे हैं। और अभी दोस्तों रात का मतलब शाम का 7 बजने वाला है और अभी यहाँ से जाएंगे मेन रोड पे और रमसी भाई आगे और सामने गन्ने का खेत है, ऐसा कुछ व्यू है। और पीछे देखो कहाँ जा रहा है। और अभी सूरज भी घर जाने वाला है और इधर चाय पानी तो कुछ मिला नहीं था, बाकी मेन रोड पे जाके चाय पानी सब करेंगे। मेन रोड यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन आराम आराम से जाएंगे। आगे एक रिक्शा आ रहा है और राइडर थोड़ा लेट आया था दोस्तों, नहीं तो थोड़ा जल्दी हो जाता। कोई नहीं, चलो आज हो तो गया, बाकी तो फ्रेंड्स आज तो कुछ माल मिलेगा नहीं, कल कुछ ढूंढते हैं और मिलते हैं नए व्लॉग में। फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और भाई को पूरा सपोर्ट दिखाना। और मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।